एआईएआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आज मुरादाबाद में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इस पर जो भी सवार होगा वो भी डूब जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। उनकी तो राय है कि आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपना प्रत्याशी ना उतारे, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं बचा है। उसके चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा पहुँचता है। वहीं दो बच्चों के कानून पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोले कि कांग्रेस नसबंदी कानून लाई थी और अब भाजपा दो बच्चों का कानून लाने की बात कर रही है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओबीसी और उनकी पार्टी पर लगे मुस्लिम सिंबल की पार्टी पर पूछे गए सवाल पर बोले कि मुसलमानों को भाजपा कभी टिकट नहीं देती, हम चुनाव लड़ाते हैं। 2014 से लेकर आज तक हमने सभी चुनाव में हर जाति के व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव लड़ाया और जिताया भी है। धर्मांतरण प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि मामला कोर्ट में ठहरेगा ही नहीं, दोनों लोग बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। और जहां तक इस्लाम की बात है, वहां जबरदस्ती नहीं होती है और ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने 2017 में जो वादे जनता से किए थे वो उसमें फेल हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 2014 से काम कर रहे हैं। 2017 में हम इलेक्शन लड़े थे उत्तर प्रदेश में, 5 लाख वोट हमने हासिल किया था। संभल सीट पे हम सेकंड पोजीशन पे थे और 3 सीटों पे हमने थर्ड पोल किया था। तो यूपी में हम लगातार 2014 से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। 2022 की हमारी तैयारी है। हमने यहाँ पे निकाय चुनाव में भी अपने कैंडिडेट जिताए हैं। इस मरतबा ज़िला पंचायत के भी इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट जीत करके आए हैं और हम स्ट्रांग पोजीशन में आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और उसी की मैं समीक्षा कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में, एक एक विधानसभा की, ब्लॉक की, ग्राम अध्यक्षों से और वार्ड अध्यक्षों से मैं मुलाकात भी कर रहा हूँ। देखिए, ये तो इल्ज़ाम है। अगर ऐसा होता तो इलेक्शन कमीशन में हम जो है रजिस्टर्ड ही ना होते। संविधान इस बात की इजाज़त देता है, अकाली दल है, शिवसेना और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू बनाया जा रहा है, वो कोई इशू नहीं है। उसको किस तरह से धोने की, तो मामला जो मामला कोर्ट में चलता है उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे लोग हैं। ज़िला पंचायत के इलेक्शन में हमने 6 हिंदुओं को जिताया है। हमारी पार्टी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, विधानसभा में भी हमने टिकट दिया, ठाकुर को दिया, ब्राह्मण को दिया, बैकवर्ड को दिया, एससी को दिया। ऐसा नहीं है बीजेपी नहीं देती है मुसलमानों को टिकट, हम देते हैं सबको। एक सवाल हो रहा है, वो मामला कोर्ट में नहीं रुकेगा और इंशाल्लाह उमर गौतम साहब बाइज्जत होकर के बरी होंगे। चूंकि जो इल्ज़ाम उन पर है, देखिए मैं आपको एक चीज़ साफ कह दूं कि इस्लाम के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। हमारे पवित्र ग्रंथ में कहा गया ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। और उमर साहब एक आलिम है, उनको मालूम है, वो कुरान को फॉलो करते हैं, तो कुरान से हट करके उमर साहब नहीं जा सकते। पहली बात, जिन 1000 लोगों के बारे में बीजेपी कहती है कि लालच दे के या ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराए, उन 1000 लोगों को सामने लाए। अभी लगातार लोग सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। कई हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि मैं उनसे मिला हूँ, 5 साल से जानता हूँ, कभी उन्होंने मुझसे ये बात नहीं कही, वो एक अच्छे आदमी। तो बीजेपी का ये पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी चूँकि 2017 में जो वादा उत्तर प्रदेश की आवाम से किया था उस वादे में पूरी तरह फेल रही। कोरोना काल में इन्होंने ना ऑक्सीजन दिया, ना दवा दी, ना इन्होंने बेड दी, ना हॉस्पिटल में दिया, कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ 5 साल तक हिंदू मुस्लिम की सियासत किया है। अब ये अपने किए गए सारे वादे में फेल हो गए, सरकार फेल हो गई, तो जाहिर सी बात है आवाम के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे ला रहे हैं। देखिए, केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था,
कि हम भारत के अंदर कोई भी इस तरीके का कानून नहीं बनाएंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कानून बनाने जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि केंद्र में और राज्य में कुछ तो मामला था, और ये भी उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं उसमें। कांग्रेस तो ख़त्म हो गई, कांग्रेस का नाकारापन है जो आज बीजेपी इख्तदार पर है। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को मुरादाबाद में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ना चाहिए 22 का इलेक्शन। कांग्रेस जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस लड़ेगी फायदा बीजेपी को हो रहा है। 2019 के इलेक्शन में आपने देखा, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए वहाँ पर बीजेपी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, जहाँ 9% मुसलमान, जहाँ 52% मुसलमान 8 लाख से जीत गए। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी, डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। ये प्रियंका गांधी, गांधी का बेटा या गांधी की बेटी होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप उत्तर प्रदेश के बादशाह हैं, शहजादे हैं। तो प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और जो इस पे सवार होगा वो भी डूब जाएगा।